नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से नए जोश, नए उम्मीद, नए जुनून के साथ साथ दिलो जान से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थंबनेल को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, वो भी दोस्तों ज्वाइनिंग से संबंधित। वैसे दोस्तों, जो मेरे साथ आप बोल सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको मैं कल ही अपडेट कर चुका हूँ रात में ही। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पे मैं थोड़ा लेट से अपडेट कर रहा हूँ। उसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि जैसे मैं मॉर्निंग में, आप बोल सकते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा, लाइट गई कट, और उसके बाद दोस्तों लाइट का मैं बहुत देर इंतजार किया, लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। उसके बाद दोस्तों मुझे बाहर में आके वीडियो बनाना पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं आपको लेट अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। साथ ही दोस्तों, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है साउंड में जो है कुछ बाहर की भी आवाज आएगी, तो दोस्तों आज के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग के बारे में, कि कौन से स्टूडेंट को ज्वाइनिंग देना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, ज्वाइनिंग से संबंधित जो अफवाह फैलाई जा रही है, उस अफवाहों का भी मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि बेल्ट्रॉन ऑफिस की तरफ से जो है इम्प्लॉई आईडी सेंड किया गया है। अब उसमें दोस्तों तीन अलग अलग प्रश्न है। एक तो ये है कि किनको इम्प्लॉई आईडी सेंड किया गया है, दूसरा ये है कि किनको इम्प्लॉई आईडी सेंड नहीं किया गया है, और तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर किसी स्टूडेंट को इम्प्लॉई आईडी सेंड किया गया है, बाय चांस उनके फ़ोन का रिचार्ज खत्म था, नेटवर्क नहीं था, फ़ोन ऑफ था, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम थी और उनको इम्प्लॉय आईडी नहीं मिल पाया, तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, इम्प्लॉय आईडी नया आया है तो उसका पासवर्ड क्या है, ये भी प्रश्न फिर से चल रहा है। वो सारा चीज़ दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूजर नेम है helping_गौरव, या फिर दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं अभी पहले जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई ऐसा अपडेट आता है, जब मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, या तो रात का समय हो, या फिर दोस्तों घर से बाहर रहता हूं, लाइट नहीं रहता है, वैसे समय में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट देने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक ऑडियो छोड़ देता हूं, और उस ऑडियो में सारी बात मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली अपडेट के लिए जो है आपको वीडियो का वेट ना करना पड़े, आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग अपडेट हो सके। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ हम लोग बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग स्टार्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं समय दिए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, और आप लोग जब जब बोले हैं, आपके साथ हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल भी आपके साथ खड़ा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों, आप लोगों से भेंट करने के लिए, आप बोल सकते हैं कि बेल्ट्रॉन की ज्वाइनिंग को स्टार्ट करवाने के लिए मैं खुद जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गया हूँ। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी स्टूडेंट के लिए जितने भी लोग मेहनत किए हैं, पटना के स्टूडेंट काफ़ी मेहनत किए हैं। मैं आपको छोटा सा घटना बताना चाहूँगा कि पटना के स्टूडेंट डिप्टी सीएम से 2 दिन मिले हैं, और डिप्टी सीएम से मिलने के बाद आप बोल सकते हैं डिप्टी सीएम की मुलाकात जो है होती है बेल्ट्रॉन एमडी से, यानी बेल्ट्रॉन एमडी को बुलाया जाता है, उनसे बात होती है, कब होती है ये मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। और उसके बाद दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी लोग मेहनत किए हैं, और उसके लिए दोस्तों एक प्यारा प्यारा आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्लॉय आईडी जो सेंड किया गया, वो किनको सेंड किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 के कैंडिडेट हो, या तो आप बोल सकते हैं कि पुराने कैंडिडेट हो, या फिर नया हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रोग्राम हो, या फिर प्रोग्रामर के हो, सभी को इम्प्लॉय आईडी सेंड किया गया है। किनको? तो जिनका केवाईसी सक्सेसफुल्ली वेरीफाई हो गया था, यानी कि आप बोल सकते हैं जो लॉगिन पहले हो पा रहे थे, उनको जो है इम्प्लॉय आईडी सेंड कर दिया गया है। जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो गया था, किसी कारणवश वो वेरीफाई नहीं हो पाए थे, उनको इम्प्लॉय आईडी अभी सेंड नहीं किया गया है, उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वो लोग पूछेंगे कि अब हम लोग का क्या होगा, तो मैं उनको कोई भी डेट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि डेट देने के बाद क्या हो जाता है कि आप लोग खुद कमेंट करने लगते हैं कि नहीं, आप जो बताए थे वो डेट आपका फेल कर गया, आप गलत अपडेट करते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग वेट कर लीजिए, आप लोग का भी कुछ समय सीमा है, उसके बाद आप लोग का भी काम जो है स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग को भी जो है आप बोल सकते हैं कि इम्प्लॉय आईडी मिलेगा। अब ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आप बोल सकते हैं कि इम्प्लॉय आईडी सेंड किया गया, लेकिन किसी कारणवश उनको इम्प्लॉय आईडी नहीं मिल पाया, वो स्टूडेंट क्या करेंगे? मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस बार जो इम्प्लॉय आईडी सेंड किया गया है, फिर से आप बोल सकते हैं लगभग उसी तरह का है, आगे का सबका कुछ मैच कर रहा है, और पीछे का 4 डिजिट आपको कुछ और यूज़ कर रहा है। मैं कॉमन जो आप बोल सकते हैं जो आगे से मिल रहा है, वो आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, मैं नोट आपको करवा रहा हूँ, वो है 2019-0130। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, 2019-0130। दोस्तों, ये जो ट्रिक है, ये आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरफ से,
बेल्ट्रॉन ऑफिस का इसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है लॉगिन आपका हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, ऐसा कंफर्म नहीं कि आपका काम ही कर जाएगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जरूर उनके लिए काम करेगा जिनको बाय चांस मैसेज नहीं मिल पाया और उनका आप बोल सकते हैं कि उनको एम्प्लॉय आईडी तो सेंड किया गया नया वाला लेकिन उनको मिल नहीं पाया, उनके लिए कारगर होगा मुझे जहां तक पता है। साथ ही दोस्तों आप ये नोट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का अपना पीछे का 4 डिजिट इसमें यूज करना है। अब आप लोग एक देखिएगा कि आप लोग जब KYC किए होंगे तभी भी आपको एक नंबर आया था, वो नंबर का पीछे का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप जो है बोल सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप किए थे, आप बोल सकते हैं कि मार्च या अप्रैल 2019 में, तभी दोस्तों आपको जो है एक मिला था आईडी, एम्प्लॉय आईडी नहीं रजिस्ट्रेशन आईडी, उसका दोस्तों पीछे का आपको यूज़ करना है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो आपका पीछे में जो था 6632 था, तो आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ, 2019013 और जो मैं अभी आपको बोला 6632 बोला था ना, वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों उसी चीज़ को आपको पासवर्ड में भी डालना है, अगर आपका जो है नया जनरेट किया गया होगा तो आपका 100% नहीं तो 95% जरूर है कि आपका लॉगिन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिला है या फिर नहीं मिला है। सारा चीज़ आप लोग समझ गए हैं इसके बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मेन मुद्दा है जो ज्वाइनिंग का है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बात पर भी गुमराह मत होइए, बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहिए, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। कुछ लोग अलग अलग शॉर्ट स्क्रीन जो है शेयर कर रहे हैं, आप बाय चांस बोल सकते हैं कि उसको एडिट करके जो ऐसा कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ है मान लेते हैं कि 30/12/2020 को, 20 के जगह पे वो लोग एडिट करके 18 कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ के लिए आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं चेक खुद कर लिया हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ। अब बेल्ट्रॉन ऑफिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कुछ गलत अपडेट कर देगी तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बात होगा। दोस्तों मैं खुद चेक किया हूँ और भी बहुत सारे लोग चेक किए होंगे, ये चीज़ 100% सही अपडेट है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी किन की ज्वाइनिंग हो रही है तो अभी SC कैटेगरी की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो जब आप देख रहे होंगे या फिर जब वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है और भी किसी का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की मैं बता रहा हूँ कि SC कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, उनको ज्वाइनिंग डेट आया हुआ है। दोस्तों आपको सिंपल सा जो है लॉगिन करना है, लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ कि एक न्यू जो आपको बोल सकते हैं एम्प्लॉय आईडी आया है उसको और उसी को पासवर्ड में यूज करके ओपन करना है। ज्वाइनिंग के लिए आपको डेट दिखेगा, ज्वाइनिंग वाले सेक्शन पर आप जाइएगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट संबंधित कुछ लिखी हुई है, उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना अगर आप वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या अपडेट आई हुई है, और बाकी जो गलत वाला जो आप बोल सकते हैं शॉर्ट स्क्रीन शेयर होता है उस पर आप लोग को बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, वो आप लोग को बोल सकते हैं कि मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो सब चीज़ किया जाता है, वो सारे चीज़ पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। नंबर एक, जिनको एम्प्लॉय आईडी नहीं मिल पाया है बाय चांस उनको मैं बता दिया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 2019013 ये आपको यूज़ करना है। और जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको एक जो है बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसको आपको पीछे का 4 डिजिट आपको जो है लगा देना है उसके पीछे, और उसके बाद उसी को आपको पासवर्ड में यूज़ करना है। आपका अगर जो है बोल सकते हैं नया एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हुआ होगा तो 100% आपका लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सारा कुछ समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों धीरे धीरे सभी का ज्वाइनिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ SC का ही ज्वाइनिंग होगा उसके बाद रुक जाएगा, सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा, थोड़ा सा आप लोग को जो है वेट कर लेना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुई हो, और दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल हुई हो तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्विकली अपडेट करता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।